नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल राजधानी में मोक्षकुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए। जगह जगह हुए कार्यक्रमों में अभियंताओं ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वहीं मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अशोक शर्मा ने बताया कि वर्तमान में इंजीनियरों पर कई आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि कई इंजीनियर की भी गलती रहती है, लेकिन सभी को एक ही श्रेणी में लेना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में इंजीनियर की भूमिका बेहद अहम है। इंजीनियर्स डे के मौके पर मैं सभी इंजीनियर से अपील करता हूं कि वह विश्वेश्वरैया जी के बताए पद चिन्हों पर चले और जिस ईमानदारी से विश्वेश्वरैया जी ने अपना जीवन व्यतीत किया है, उसी तरह से इंजीनियर भी अपना जीवन व्यतीत करे और निरंतर देश हित में कार्य करते रहे। हमारा जो आज के समय इंजीनियर्स के ऊपर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ इंजीनियर्स की भी गलती है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो जिस ईमानदारी से सर मोक्षकुंडम विश्वेश्वरैया जी ने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, बड़े बड़े डैम बनाए, बड़ी बड़ी नहर बनाई, सड़कें बनाई, तो आज सभी इंजीनियर्स को एक संकल्प लेना चाहिए कि हम उन्हीं के ही पद चिन्हों पर चलें। और उन्होंने देश में नहीं पूरे विश्व में उन्होंने अपना नाम कमाया। इंजीनियर्स के नाते उनके बराबर अभी तक कोई इस धरती पर नहीं हुआ मेरे नॉलेज में। आज हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया में भी जो हमारा सेंटर है मध्य प्रदेश का, उस चैप्टर में वहाँ भी एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम है। उसमें माननीय मंत्री जी विश्वास सारंग जी पधार रहे हैं, मुख्य अतिथि उन्होंने स्वीकार किया है। उसमें सभी संकाय के इंजीनियर्स इकट्ठे होंगे। तो हमारा यही संदेश है, हम सभी इंजीनियर्स को जो किसी भी तरह से किसी भी लाइन में इंजीनियरिंग का काम अपना कर रहे हैं, उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।